तो हेलो पब्लिक, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आ गए हम आप फिर से एक और ब्रांड न्यू गेम प्ले के साथ। तो इस गेम प्ले में आ गए अपने घर पुचिंगी में, और यहाँ पे जो सही धमाल शमाल होने वाला है। अपना जो ऊपर जो जहाँ पे कॉइन लेने जाते हैं ना शिप में, उससे पहले ही हमारे अच्छे खासे 10-12 किल हो जाने, थिंक 10 होते हैं। सो फिलहाल हम यहाँ लूट कर रहे थे, दूर से मुझे आवाज़ आती है कि भाई बोटे छोटे लड़ रहे हैं। सो मैंने यहाँ पर किल निकाल लिया मुफ्त का, क्योंकि भाई फ्री किल है, केड़ियाँ छड़ियाँ भरा लो, इन्हीं से मिलती हैं केड़ियाँ। सो अब मैं इसे नॉक करके फिनिश मार देता हूँ, और फिर जो है ना आगे लूटपाट करते हैं। लूट तो हमें खैर इतनी मिलती नहीं है, और सामने बोटा मिल जाता है, तो इसे यहाँ पे हम नॉक करते हैं और फिनिश डाल देते हैं। बाकी अभी जो है ना कोई 3 मैन स्क्वाड और एक सोलो बंदा, कुछ डुओ आई थिंक वो भी रह गए। तो जो सामने अभी हमारा ये मिड है ना, सामने इस जगह पर अभी देखो सीढ़ियों पर एक बंदा दिख रहा है, तो मैंने उसको टेप टेप मारने की ट्राई की, लेकिन वो मरता नहीं है। तो फिर मैं थोड़ा आगे गया, मैंने सोचा कि भाई रश मारते हैं सीधा सीधा, लेकिन जैसे इस तरफ आते हैं तो पहले तो बोटा किसी का पड़ा होता है, वैसे हम फिनिश मार देते हैं। और छत से भी जो है ना साउंड आ रही होती है कि भाई छत पर ही बंदे चढ़े हुए हैं, तो हम रश कर ही रहते हैं कि फिर आगे जब चढ़ो कि फर्स्ट स्टेप आई है। सो यहाँ मैंने अपने टीममेट एक नेड मांगा, तो बंदा सीढ़ियों पर था, अभी उसके फर्स्ट स्टेप नहीं दिख रहे, और तो जहरी बात है ऊपर ही होगा फर्स्ट स्टेप, नहीं सॉरी बंदा नहीं दिख रहा तो वो ऊपर ही होगा। तो मैंने ऊपर नेड किया, बंदा हो जाता है नॉक। तो अभी यहाँ पे जो है ना मैं कोई कंफर्म नहीं बोल सकता कि कौन सा बंदा किस कोर्ट का था, बड़े कोई जो है ना पहले हुए बंदे थे। सो यहाँ पे मैंने ऐसे नॉक फिनिश मारा, और उसके बाद जो एक बंदा हमारे सामने छत पे, एक बंदा फ्रंट हाउस पे, छत वाले को मैं देख रहा था वो मतलब दिख नहीं रहा था, लेकिन जो साइड वाला हाउस था उसमें से बंदा जो है ना अचानक से मुँह दिखाते और मारने की ट्राई करता है हमें, लेकिन मुझे पहले स्पॉट हो रहा था, मैं उसे नॉक कर देता हूँ। और जो सामने बिल्डिंग वाला बंदा है उस पर जो है ना मैं एक नेट थ्रो करता हूँ, लेकिन उसे खास कोई डैमेज नहीं होता बिल्कुल। मैंने देखो उसके मुंह पे मारी है, लेकिन आई थिंक पता नहीं क्यों डैमेज आई थिंक हुआ होगा, लेकिन उसने पीछे हील कर ली होगी। तो थोड़ी देर बाद वो बंदा तो फिलहाल नीचे आया नहीं, लेकिन जो हमने इस घर में नॉक किया था उसे रिवाइव देने एक बंदा आ जाता है। सो उसे हम नॉक करते हैं, और जो जो छत पे चढ़ा होता है वो पे नीचे कूद जाता है, और फिर उससे फायर लेने चलते हैं। सर मैंने उसे फ्री फायर दिया, लेकिन भाई काम नहीं आया, और मैं फिर ऊपर चला गया। मैं समझा भाई मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन पीछे नहीं आ रहा था, वो उल्टा भाग रहा था हमसे डर के। सो यहाँ पे जो है टिके मिके उठा लिए, इस बंदे पे आते हैं, ये भी नॉक था। तो पता नहीं अभी ये किस कोर्ट का बंदा था, हमें कोई कंफर्म नहीं है, आपस में ही कोई था। तो इसे हमने फिनिश किया, और फिर आ गए इस घर में। अभी यहाँ पे मुझे फर्स्ट बात ही के सामने से कोई जा रहा है, इसे मैं लो करता हूँ, इसका टीममेट साइड से मुझे करते हैं लो। अभी इस कार वाला बंदा, इसको पता है मैं यहाँ पर, यह अभी मेरे पे रश करेगा और ये भूल जाएगा कि भाई मैं था यहाँ पर, ये उधर सामने दरवाजे में टीममेट को मार रहा होता है। मैं पीछे से इसे मार देता हूँ नॉक, और यहाँ मेरा टीममेट इसे फिनिश कर देता है। तो यहाँ से जैसे ही बाहर निकलता हूँ, उसको दूसरा टीममेट होता है, वो उसे बचाने आता है, और उसे भी जो है ना हम मार देते हैं। तो ये टोटल 9 किल हो जाते हैं। एक बोटा हमने आई थिंक कौन मारा था, बोटा के पता नहीं बंदा कोई था, तो वो मारा था और उसका किल भी हमें मिल जाता है, तो टोटल 10 किल हो जाते हैं। और उसके बाद जो है हम सामने गेम खेलने जाते हैं ऊपर, और उसके बाद जैसे ही आते हैं तो फार्म से गुजर रहे होते हैं, पीछे हम पे फायर होते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरा नेट जो है ना 2-3 बार पहले भी डिस्कनेक्ट हो गया था, ये रात की गेम प्ले कोई। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे बोल रहा था कि भाई रिटर्न टू लॉबी, मैं बोला भाई मैं क्यों लॉबी जाऊँ, अच्छी खासी गेम थी। तो मैंने वो कट कर दिया और न्यू गेम स्टार्ट की। तो फिर मैं इंटर गेम का ऑप्शन आ गया, और मैं गेम में इंटर हो गया। अभी यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो भाई मेरे टीममेट्स ने मेरे पे नेड मारा हुआ। भाई देखो ओम, अगर तुम्हारे पास हो ना, अगर तुम एक सेकेंड के लिए भी ऑफलाइन हो जाते हो भाई, तुम ख़त्म हो अपने टीममेट के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने ओम मंगवाई हुई थी, और सामने बंदे थे, तो बस शुरू हो गए अपनी स्नाइपिंग के साथ। एक बंदा मैं दिखा, इसके हमने कपड़ी पोली सही आराम से। उसके बाद ये 3 मैन स्क्वाड थी, और इसके पीछे भी एक स्क्वाड थी, मतलब सामने 2 स्क्वाड्स हैं, और जब हम वहाँ पे रश करेंगे तो उन पे थर्ड पार्टी भी हो जाएगी। तो सामने को नॉक किया, और बाकी 2 जो उसे रिवाइव देने चले गए। अभी जो उनका एक दूसरा बंदा है ना, वो मुझे उस खिड़की से पिक देगा, मुझे स्पॉट होता है, उसे मैं हेड देता हूँ। और हेड देने के बाद अपने टीममेट को बोलता हूँ कि चलो भाई निकलते हैं गाड़ी में। और जब गाड़ी को मैं देखता हूँ तो भाई गाड़ी से ही धुएं निकल रहे होते हैं, इन्होंने सही मुझे ग्रेनेडे शनेडे मारी हैं भाई। ओम बड़ी डेंजर करने, अगर आपके हाथ में हो तो भी, और आपके हाथ में हो और आपके टीममेट को नहीं हो तो भी, मतलब डेंजर ही डेंजर है, सामने वाले के लिए डेंजर है, आप लोगों के लिए भी डेंजर है। सो फिलहाल यहाँ पे हम गाड़ियों पहुँचे और सीधा चले गए फार्म पे रश करने। यहाँ पे मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई पहले जो है ना तुम लोगों ने ग्रेनेडे शनेडे करनी है अन्यवा, और उन पर होती नहीं है। सो मैं यहाँ पर स्लैमिंग कर देता हूँ, और उसके बाद जो फाइट होती है। अभी यहाँ पर जो है ना मेरे पास 2 ग्लिच हुए हैं, ठीक है। एक ग्लिच का तो मुझे अभी पता चला था कि देखो नेट का मुझे निशान नहीं शो हो रहा, फिलहाल मुझे मेरे हाथ में नेट शो हो रहा है, लेकिन अगर ओपोनेंट करते उसके हाथ में नहीं शो हो रहा। और मैप में देखो ये ऑरेंज कलर के मार्क शो हो रहे हैं, तो ये मुझे बता रहे हैं कि मतलब सामने वाले एनिमी किधर है। भाई कोई अजीब से अजीब से ग्लिच हुए हुए थे।
सो यहाँ पे जो है मैं उसने जो है ना मतलब नेट थ्रो किया, तो मैं उसका इंतजार करता कि भाई पटे, लेकिन पटा नहीं। तो मैं यहाँ पे हील करता हूँ नीचे और फिर चल जाते हैं, रिलोड करते हैं अपनी जनरेटर को। और आगे देखो उस पर टट पार्टी हो गई है, तो मैं जो है ना एक मोल्टो मेरे पे होती है तो मैं मोल्टो मार देता हूँ और उससे मुझे कुछ 2 किल मिलते हैं। नीचे एक बंदा मेरे टीममेट पे रश कर देता है तो उसे नॉक एंड फिनिश डाल देता है सीधा सीधा, और फिर हम भी उसे नॉक कर देते हैं और डायरेक्ट को फिनिश हो जाता है। उसकी स्क्वाड भी सामने जो है ना डेड हो जाती है, और हमें लगा कि भाई सब मर गए क्योंकि देखो किल फीड में सारे जो है ना डेड शो हो रहे हैं, लेकिन एक बंदा अभी भी ज़िंदा होता है जो कि नीचे वाले रूम पे, और वो मुझे मार सकता था लेकिन भाई वो नशा ही बंदा था। तो फिलहाल मुझे लगा सब वाइप हो गए हैं, तो मैं ऊपर शूपर आया, हील शील की आराम से, रिलोडिंग वलोडिंग की। और जब मैं अपना यहाँ पे आया लूटने के लिए, तो ये बंदा भाई चेक करो कमरे से निकल के कुछ भी। सो फिलहाल इसे मारते हैं, यहाँ हमारे 14 किल हो गए और फिर चलते हैं आगे की तरफ। ये आई थिंक वो जगह है यार, पुचिंगी के जो पहाड़ होते हैं ना उसके पीछे एक स्क्वाड हाउस आता है वेयरहाउस के साथ, ये वो जगह। सो यहाँ पे मैं आता हूँ, इधर जो है ना एक गाड़ी होती है नीचे रिच पे, और ऊपर ही बंदे होते हैं जिनका हमें नहीं पता होता। तो फिलहाल अंदर मैं देख लेता हूँ, अंदर फुल क्लियर है। और उसके बाद जो है मेरा टीममेट जैसे ही बालकनी में जाता है उसको ऊपर से भी पड़ती है और वो नॉक फिनिश हो रहा था। और जो ऊपर से आए होते हैं मैप में चेक करो उनके निशान शो हो रहे कि वो बंदे वो कहाँ कहाँ पर। सो अभी मैं यहाँ पे जो है ना नेट थ्रो करता हूँ, लेकिन उसके जाहरी बात है निशान नहीं दिख रहे। सो मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि भाई मेरे नेट जा कहाँ रहे हैं। मैंने यही पेंक दिया कि अगर बंदा रश भी करता है तो उसे पता है कि भाई ऊपर नेट है और मुझे टाइम मिले मैं हील कर लूँ। तो यहाँ मैंने हील कर लिया आराम से और चला गया सीढ़ियों वाली साइड पे। अभी यहाँ पे जो है एक बंदा घर में आया होता है, इतनी फुस्टेप मुझे आती है और मैप में भी शो हो रहा है। सो जैसे ये रश करते हैं ऐसे मैं नॉक फ्री डाल देता हूँ। इसका दूसरा टीममेट आता है उसे मैं यहाँ फ्री फायर देता हूँ और ऊपर चला जाता हूँ, तो उसे लगता है कि भाई मैं ऊपर चला गया लेकिन मैं होता इधर ही हूँ। सो जैसे वो रश करता है वो सैडे पड़ती है और वो मर जाता है। अभी ये बंदा यहाँ पे जो है ना खड़ा रहता है, इसने नेट थ्रो किया था। अभी चेक करना इसके हाथ, देख रहे हो आपके थ्रो करने वाले, इसने हाथ क्लोज किया मतलब नेट इसने पकड़ा हुआ है लेकिन नहीं भाई थ्रो किया हुआ है। सो यहाँ पे अच्छी खासी लोडिंग आई और गेम एंड हो जाता है। सो बस अच्छी खासी गेम प्ले जो है ना वर्क हो गई। तो ये क्राउन लोबी वाली गेम प्ले, प्लेटिनम कोई नहीं है भाई, प्लेटिनम कब का, ये ग्लिच है अपने। सो उम्मीद है आप लोग गेम प्ले अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।